नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काय मास पर आधारित है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दाहिने हाथ और जाबाज योद्धा थे। दोस्तों, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में काय मास को एक ऐतिहासिक चरित्र मानते हैं। वे इसके लिए खरतर गच्छ पदावली, पुरातन प्रबंध संग्रह, मुहूर्त नैनसी और पृथ्वीराज रासो जैसे काव्य ग्रंथों का हवाला देते हैं। पृथ्वीराज रासो में काय मास वध मात्र 43 छंदों में लिखित एक छोटा सा अंश है। इस पुस्तक में काय मास, जिसका वास्तविक नाम कदंबवास था, उसे अनेक स्थानों पर औरतों के प्रति आकर्षित पुरुष के रूप में दर्शाया है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि काय मास या कदंबवास एक वीर, पराक्रमी, अजेय और स्वामी भक्त अमात्य था। डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा अपनी पुस्तक काय मास वध परिचय एवं प्रतिपाद में लिखते हैं कि काय मास योद्धा के साथ साथ पृथ्वीराज का मंत्री भी था और शासन प्रबंधक भी। पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में वह राज्य का कार्यभार व संचालन भी देखता था। चंदवरदाई ने भी लिखा था कि मोहम्मद गौरी के 1000 योद्धाओं को काय मास ने जलाकर मार डाला था और पृथ्वीराज को दिल्ली की हुकूमत काय मास के बाहुबल से ही प्राप्त हुई थी। इसी काय मास ने गिरनार प्रांत के नाहर राय मलहन को घुटनों पर झुका दिया था। कई बार काय मास ने गौरी को बांधकर पृथ्वीराज के समक्ष पेश किया था। इसी काय मास ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को, जिन्हें पृथ्वीराज कभी हरा न सके थे, उस वक्त बुरी तरह परास्त कर बंदी बनाया था जब पृथ्वीराज चौहान दूर विश्वासर प्रदेश में उपस्थित थे। हिंदू और मुस्लिम शासक काय मास से भय खाते थे। इसी काय मास के कारण पृथ्वीराज चौहान का यश और तेज चारों दिशाओं में विद्यमान था और मरुस्थल के लोग सुखपूर्वक रहते थे। अर्थात काय मास वीरों में वीर और श्रेष्ठ सामंत व महान योद्धा तथा पृथ्वीराज चौहान का हितैषी और विश्वास पात्र था। रासो साहित्य विमर्श के अंतर्गत काय मास वध की कथा के लेखक माता प्रसाद गुप्त लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की विरह अग्नि में तड़प रहे थे। उनका मन अस्थिर था, इसलिए वे अपना मन बहलाने के लिए शिकार में व्यस्त रहते थे और अपने प्रधान अमात्य काय मास को पूरी तरह से जोगनीपुर अर्थात दिल्ली की रक्षा का भार सौंप दिया था। पृथ्वीराज के 3 प्रिय शौक थे, विवाह, आखेट और युद्ध। हालांकि उनकी 13 पत्नियां थीं, पर फिर भी वे संयोगिता के विरह में तड़प रहे थे। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त अपनी पुस्तक हिंदी दिग्दर्शन के पृष्ठ 32 में लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के प्रेम संबंध अपनी दासी कर्नाटी के साथ थे, जैसा कि राजस्थान में गोली आदि के रूप में रखेल की परंपरा है। कर्नाटी दासी को काय मास कर्नाट की विजय के समय ले आया था और उसे एक महल में रखा था। हालांकि किसी भी साहित्यकार ने कर्नाटी के वास्तविक नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया है। पहले दिन से ही रूपसी कर्नाटी और काय मास आपस में प्रेम पाश में थे। अवसर मिलते ही वे एक हो जाते थे। एक रोज काय मास राजकाज देख रहा था, आसमान में बादल छाए थे, तभी कर्नाटी की दृष्टि काय मास पर पड़ी।
कैमास ने भी मंतव्य समझकर इशारों में ही हामी भर दी। चंदवरदाई लिखते हैं, कैमास कामदेव के प्रभाव में था। यह प्रभु की ही इच्छा थी कि ऐसे वर्षा काल में दोनों कामातुर हो मिलन को उतावले थे। कर्नाटी ने अपनी दासी को कैमास को महल में लाने के लिए भेजा। दासी की ओट लेकर कैमास कर्नाटी के महल में पहुंच गया। ये रात्रि के प्रथम प्रहर का समय था। वह कर्नाटी से कहता है, घनघोर अंधेरी रात है, सारी पृथ्वी जलमग्न है, तारे बादलों में छुप गए हैं, लगता है कोई विशेष प्रयोजन है। कर्नाटी के महल के पास पृथ्वीराज चौहान की बड़ी रानी इंछनी परमारनी का महल था। रानी की तांबूल वाहिनी दासी ने कड़कती बिजली के प्रकाश में देखा कि कर्नाटी के पास कैमास है, जो काम क्रीड़ा में तल्लीन है। पान की पीक से क्रुद्ध रानी ने भोज पत्र पर पृथ्वीराज के लिए संदेश भेजा। दो घड़ी में दासी घने जंगल को पार कर पृथ्वीराज के पास पहुंची। सोते हुए पृथ्वीराज को उसने पायलों की झंकार से जगाया। बिना देर किए पृथ्वीराज महल में आ गए। बड़ी रानी ने सब हाल बताया। गुस्से से तमतमाए राजा ने धनुष बाण लेकर कर्नाटी के महल में प्रवेश किया। उन्होंने देखा श्रृंगार कीड़ा से निवृत हो कैमास सो रहा है। संतुष्टि परक मुस्कान लिए कर्नाटी भी चिर निद्रा में लीन थी। पृथ्वीराज ने क्रोधावेश में बाण चलाया, जो चेहरे से होकर गुजर गया। संभवतः कैमास की नींद टूट गई। इंछनी रानी ने पृथ्वीराज को प्रोत्साहित करते हुए दूसरा बाण दिया, जो सीधे कैमास की कमर को चीर गया। कवि चंद लिखते हैं, बाण से आहत कैमास गगनचुंबी महल से ऐसे गिरा जैसे चंद्रमा टूटकर धरती पर गिरा हो। पृथ्वीराज चौहान कैमास वध करके रात में ही जंगल में चले गए। दूसरे दिन भरी सभा में कैमास के बारे में पूछा। जब लोगों ने असमर्थता दिखाई तो उन्होंने कवि चंद से पूछा और जिद करके बार बार पूछा। तब चंद ने कांपते हुए बताया कि कैसे उन्होंने कैमास का वध किया, और अकेले उसका ही नहीं, उसकी प्रेयसी दासी कर्नाटी की भी हत्या की थी और उन्हें गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। इतना सुनते ही पृथ्वीराज के कोप से बचने के लिए सभागार खाली हो गया। कवि ने पृथ्वीराज को बताया कि यह सारा वृत्तांत स्वयं माता सरस्वती देवी ने उन्हें बताया है। पुराने जमाने में अपने राजा के कोप से बचने के लिए अधिकांशतः स्वप्न वाली बात को आगे कर दिया जाता था। हालांकि यह प्रतीत होता है कि कैमास के वध के समय कवि चंद गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे। पृथ्वीराज रात भर जागते रहे। अगले दिन समाचार सुनकर कैमास की पत्नी ने कवि चंद से मुलाकात कर अपने पति का शव मांगा और कहा, अच्छा हुआ कि वह वीर योद्धा सो रहा था। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त लिखते हैं, वैसे यह कोई वीरता नहीं कि काम मोहित कैमास को सोते समय मार दिया गया। कैमास के वध की चर्चाएं दिल्ली के घर घर में फैल गई, पर पृथ्वीराज के बारे में कोई मुंह खोलने को भी तैयार न था। कवि चंद्र लिखते हैं, कैमास की पत्नी अपने वीर पति के शव के साथ सती होना चाहती थी। 16 श्रृंगार किए कैमास की पत्नी पृथ्वीराज चौहान के समक्ष कवि चंद के साथ पहुंची, जिसे रोकने का साहस किसी दरबारी या दरबार में नहीं था। पृथ्वीराज ने महिला से नजरें बचाते हुए कहा कि वह तो जमीन में गड़ा है, उसे निकाले कौन। कवि चंद उदाहरण देते हैं, रावण बाली को इनके शत्रु ने सिर्फ मारा था, गाढ़ा नहीं था।
अतः हे सांभरपति कायमास को गाढ़ो मत। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान से कायमास का शव लेकर कायमास की पत्नी को सौंप दिया गया। वह शव लेकर चिता की अग्नि में प्रविष्ट हो गई और सती हो गई। महज एक दासी के लिए अपने दाहिने हाथ महापराक्रमी वीर योद्धा विश्वास पात्र मित्र को पृथ्वीराज चौहान ने आखिर क्यों मार दिया, जबकि ऐसे वीर योद्धा पर हजारों दासियां कुर्बान की जा सकती थी। और कैमास की हत्या के ठीक बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के हरण व वरण हेतु कन्नौज प्रस्थान करने के लिए कवि चंद बरदाई को मना लेते हैं। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।